बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन सीनियर तरीन रहनुमा कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी मरियम नवाज़ साहिबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की। जिस तरह से इमरान खान के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो तो अपोजिशन का काम है और हुकूमत का काम यह है कि अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाए। तो उन्होंने जो अहम बात की आज वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ मनो अन, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करूँगा। मरियम नवाज़ ने कहा, मेरी एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। मेरी सेहत से मुतल्लिक भी एक मसला है, छोटी सी सर्जरी हुई है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। ये मरियम नवाज़ साहिबा का बयान है, उस शख्स की बेटी का बयान है जिसने 3 मरतबा इस मुल्क में हुकूमत की। ये उस शख्स की भतीजी का बयान है जिसने 3 मरतबा पंजाब के ऊपर राज किया। अब इस बयान को हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं, आपके सामने रखते हैं कि ये हमारे लिए शर्म का मकाम है, अफसोस का मकाम है या फ़ख्र का। आप अंदाज़ा लगाए कि इस पंजाब में जहाँ पर आपको मेट्रो नज़र आती है, इस लाहौर में जहाँ पर आपको ऑरेंज ट्रेन नज़र आती है, जहाँ पर आपको तुर्की की सफाई वाली गाड़ियाँ नज़र आती है, शानदार सड़कें नज़र आती है, शानदार अंडर पासिस नज़र आते हैं, इस लाहौर में अभी तक कोई ऐसा हस्पताल नहीं बनाया गया कि जहां पर इस शाही ख़ानदान का इलाज हो सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान में थे और तब उनके प्लेटलेट्स का मसला आया और उसके बाद कैसे पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के भिकाऊ एंकर्स ने नवाज शरीफ की वकालत की, हुकूमत को ब्लैकमेल किया और बिल आखिर ये हुकूमत इमरान खान साहिब ब्लैकमेल हुए और उन्होंने नवाज शरीफ को मजबूरी में लंदन भेजा। फिर लंदन जाकर नवाज शरीफ 5-6 महीने एक्टिंग करते रहे और उसके बाद वो शुरू हो गए। ना अदलिया को बख्शा, ना फौज को बख्शा, ना पाकिस्तान को बख्शा, ना आईएसआई को बख्शा, किसी शख्स को उन्होंने, किसी इदारे को उन्होंने कोई बख्शिश नहीं दी। बिलाखिर नवाज शरीफ के बयानात पर पाबंदी लगानी पड़ गई। उस वक्त हम लोगों ने इन मीडिया वालों से, इन एंकर से पूछा कि भाई आप लोग तो कह रहे थे कि आज नवाज शरीफ साहब मर रहे हैं, कल मर रहे हैं, तो आपको अब क्यों नजर नहीं आता कि वो तो बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, माशाल्लाह रेड सुर्ख अनार बन चुके हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है और हमारे प्यारे वजीर आजम इमरान खान साहब इस बात का कई मरतबा इनडायरेक्टली इकरार कर चुके हैं कि मैं ब्लैकमेल हुआ था। ये वो वजीर आजम कह रहे हैं कि जो कह रहे थे मैं NRO नहीं दूंगा और बिल आखिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को NRO दिया। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अदालत के जरिए ये NRO हुआ, लेकिन इसमें हुकूमत का भी किसी हद तक हाथ था, बिलखसूस पंजाब हुकूमत भी इसमें शामिल थी, जिसका ये लोग बाद में इकरार करते रहे। मरियम नवाज साहिबा जिनको पाकिस्तान में काफ़ी अरसा हो गया, क्योंकि ये ख़ानदान अगर साल में 5-4-5 महीने लंदन में ना गुजारे उस वक़्त जब ये लोग अपोजिशन में हो, तो फिर इन लोगों की जान चली जाती है। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कहा जा रहा है कि वो प्लास्टिक सर्जरी यानी अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए सर्जरी करवाने जा रही है, जो कि एक मुबैना इल्ज़ाम हो सकता है। लेकिन दूसरी जानब मरियम नवाज भी ये क्लियर नहीं कर पाई कि मैं सर्जरी किस चीज़ की करने जा रही हूँ। क्या वो आवाम को बता सकती है, क्या वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दे सकती है, और ये छोटी सी सर्जरी जो वो खुद बता रही है, इस हवाले से क्या पाकिस्तान के अंदर कोई डॉक्टर, कोई क्लिनिक, कोई हस्पताल या कोई इदारा है या नहीं है, ये सवाल भी बनता है। अब आप लोगों ने टीवी पर नजरें रखनी है, बिलखसूस जियो न्यूज़ पर जो कि नून लीग का तर्जुमान चैनल है। इन लोगों ने मरियम नवाज को इतना कोई बीमार कर देना है कि नवाज शरीफ की बीमारी आप लोगों को भूल जाएगी और इसी तरह से ये हुकूमत एक मरतबा फिर से ब्लैकमेल होकर मरियम नवाज को NRO देगी। मरियम नवाज साहिबा उसके बाद शायद वापस ना आए जब तक ये हुकूमत है, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब वहाँ पर रुक चुके हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में आपको पता ही होगा कि उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, लेकिन वो अपनी वालदा का जनाजा पढ़ने लाहौर नहीं आ सके। आगे क्या होता है इस सियासत में, सेनेट इलेक्शंस भी करीब है और उसके बाद बहुत सारे फैसले इस हकूमत को लेने होंगे, क्योंकि हकूमत ने अगर सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने के बाद भी कोई फैसले नहीं लिए, बिलखसूस पुलिस रिफॉर्म्स, अदलिया के रिफॉर्म्स और इसके अलावा सेहत के रिफॉर्म्स के हवाले से, तो फिर इस हकूमत को मुंह की खानी पड़ेगी। आने वाला वक्त क्या करता है, हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।